राघवेंद्र ये हटो एक सेकंड यस पीछे 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 करते रहती बात थोड़ी अपना भ्रम मेरा बिगड़वा देती है पूरा अरे रुको बिहार के भी है गुजरात के भी बहुत है वहाँ इसमें पढ़ रहे हैं आप अच्छा आप
ऑस्ट्रेलिया इज द टॉक ऑफ टाउन नाउडेज बिकॉज द मोदी जी इज देयर. तो जैसे आपको पता होगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रेलिया आए हैं और मैं उसी देश से आता हूँ. मैं मेलबर्न में हिंदी पढ़ चुका हूँ और अभी मैं विश्वविद्यालय में मेडिसिन की दूसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहा हूँ. तो मेरा नाम सुमित है. भारत अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि जिस देश के बारे में हमने केवल पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा था उसे प्रत्यक्ष अपने सामने देखने का एक अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है. इसके लिए हम पुनः आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम इस चीज़ का भी बहुत आभारी हैं कि हमें ऐसे रमणीय स्थल और ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है. मैं बहुत ही प्रसन्न इसलिए भी हूँ क्योंकि इस यात्रा के दौरान विभिन्न देशों से आए हुए छात्रों से मिलने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है. तो मैं अपने सारे मित्रों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा और आप सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम जनस है. मैं पाकिस्तान से हूँ. माय नेम इज नॉट ओके. सर यस. हेलो हेलो. ये थोड़ा ऊपर हेलो. नहीं चल कर नहीं चल पा रहा है. ऐसे करिए. हेलो. कल्चर से आप रूबरू होंगे हिंदुस्तान के अंदर. मैं समझता हूँ कि आप सब लोग यहाँ से प्रभावित होकर जाएंगे और यहाँ से कुछ ऐसी यादें ले जाएंगे, कुछ ऐसे अपने जीवन के पहलू ले जाएंगे जो आपको ता जिंदगी याद रहे. हम भी आपको याद रहे, हम आपको याद रखेंगे हमेशा. कभी हिंदुस्तान आए तो हम आपके स्वागत के लिए हैं, कभी भी आ सकते हैं. हम लोग आगरा के निवासी हैं सब लोग जो हैं. आप लंच ले सकते हैं सब लोग.
बच्चों भैया गुस्सा है क्या? Look at smile. You are in India, please smile. किस तरीके डेलीगेशन है ये जो आप पूरे विश्व में कई देश हैं जहाँ पे हिंदी को पढ़ाया जाता है, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जो हिंदी पढ़ते हैं, वहाँ के छात्र छात्राएं हिंदुस्तान के दौरे पे हिंदुस्तान सरकार की ओर से आमंत्रण पे आई हैं। आगरा भी इनको साइट सीइंग करना था, ताजमहल और यहाँ के अन्य जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनको देखने के लिए और भारतीय संस्कृति से रूबरू होने के लिए ये सब हिंदुस्तान आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और इनसे अनुभव साझा करने के लिए मैंने गुजारिश की है कि यहाँ पर लोगों से अनुभव साझा करें जिससे कि वो भारत को जानें। बड़ी खुशी हुई इनको देखकर क्योंकि ये हमसे ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलती हैं। हम लोग तो बोलचाल में कभी उर्दू हिंदी सबके शब्द हैं लेकिन ये शुद्ध हिंदी में बोलते हैं और वह हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी का क्या ज्ञान से जब इनको होगा तो हमारे संस्कृति को भी ये जानेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे और जो ये हमारे संस्कृति को बताने वाली धरोहर है उनसे पढ़ेंगे और भारतवासी के बारे में कुछ जानेंगे। मोदी सरकार ने उनको इसीलिए आमंत्रित किया वो भारत को जाने और योगी जी सरकार की ओर से मैं इन सबका स्वागत करता हूँ। आपने बातचीत की तो बातचीत में कैसा अनुभव उनका रहा? इनसे बातचीत करके लगा कि ये भारत के प्रति इनका आकर्षण है और ये भारत को जानना चाहते हैं। हिंदी जानते हैं इसलिए इधर समझने भी आसानी रही है और ये इसीलिए आए हैं, इस हेतु ही आए हैं कि भारत को जाने। थैंक यू सर। जो देश जहाँ पर भी हिंदी पढ़ते हैं लोगों पढ़ाई जाती है, ऐसे 31 देशों के छात्र छात्राएं यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तान। मोदी सरकार ने उनको आमंत्रण दिया है क्योंकि वो हिंदी तो सीख चुके हैं लेकिन भारतीय संस्कृति को भी जाने और भारत को भी जाने इसके लिए उनको आमंत्रण किया है। उत्तर प्रदेश में भी ये लोग आए हैं, आगरा शहर में मोदी सरकार ने इनको आमंत्रित किया है और योगी सरकार ने की ओर से मैं इनका स्वागत करता हूँ हायर एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से। और ये बातचीत से बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि ये लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और भारत को जानने की उत्सुकता भी उत्कंठा भी इनके अंदर है। यह एक अच्छा कदम है मोदी जी की सरकार का, योगी जी की सरकार। ठीक, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अख्तियार, मैं ताजिकिस्तान से हूँ। अब मैं यहाँ आगरा में है। अब मैं ताजमहल के बारे में, लाल किला के बारे में तरह तरह की किताबों से पढ़ चुकी हूँ। मैं अब बहुत प्रसन्न हूँ कि यहाँ आगरा में इस दर्शनीय स्थानों इतनी सुंदरता जगह है अपनी आंखों से देख रही हूँ। आपका सबसे चहेता अभिनेता, इंडियन अभिनेता बॉलीवुड में? बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा पसंद है एक्टर है, मैं मुझे बहुत पसंद है शाहरुख खान, सलमान खान, तो बहुत ज़्यादा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहें? प्रधानमंत्री जी, मैं जानती हूँ कि प्रधानमंत्री भारत में श्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं अच्छे लगते हैं आपको? जी हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ भारत में। आप कब से हिंदी सीख रही हैं? मैं ताजिकिस्तान से हूँ। मैं ताजिकिस्तान में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा सीख रही हूँ, इसके बगैर अंग्रेजी, लेकिन हिंदी भाषा मुझे बहुत बहुत पसंद है। थैंक यू। नाम बताते हुए जी, मेरा नाम समर्थ राम राघवेंद्र है। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आया हूँ
मैं हिंदी का छात्र हूँ और ICCR के इस योजना के द्वारा मैं यहाँ भारत आ पाया हूँ। आज आगरा में आकर विशेषतः उत्तर प्रदेश के मंत्री जी से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है और उनका सौहार्द और उनका ये स्वागत हमें बहुत ही अभूतपूर्व लगा। यहाँ आगरा में आकर हमने कई पर्यटन स्थलों को देखा है, जैसे कि ताजमहल और लाल किला, और यहाँ पर केंद्रीय हिंदी संस्थान में जाकर हमने अपनी हिंदी की अभिवर्धन भी की है। यहाँ मुझे लगता है कि भारत का एक प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है जो कई अन्य शहरों में आपको ना देखने को मिले, और हम सब इसके बहुत कृतज्ञ हैं कि यहाँ इस अवसर को हमें दिया गया। पुनः मैं मंत्री जी और सभी सचिव मंडल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सबको नमस्कार। ठीक, नहीं 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 सबसे प्यार दिखा है, और आप सबकी ये जो आशा है और जो इच्छा है हमारे प्रति, हमारे दिल को ये छू चुकी है। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ आज जब हमने आगरा और आगरा के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं इनको देखने के बाद हमें भारत के बारे में थोड़ा सा कुछ और ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम ये आशा रखते हैं कि हमारी चेतना और भी जागृत हो और जब हम अपने स्वदेश लौटेंगे तो वहाँ पर भारत का छोटा सा हिस्सा हम अपने दिल में रखकर वहाँ अपने संस्कृति में अपनी जो यह कला है इसको जोड़ेंगे। पुनः मैं योगेंद्र उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और उपस्थित सभी लोगों को पुनः मेरा नमस्कार। ठीक, मैं श्रावणी बिहारी हूँ और मैं भी मॉरिशस से हूँ। जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, आज हमें यहाँ पर आने के लिए किया है, यहाँ पर हमें इतना सम्मान। ठीक है, ठीक, थैंक यू। मैं पोलैंड से हूँ
रिजाइनिंग देयर धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा जलवंतरण स्वीकार किया। इधर से ले लो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने गाना गाया है और आपका तलफ्फुज़ डिक्शन को मैं देख पा रहा हूँ एक्सेंट जो वो भी बहुत लाजवाब है। लग नहीं रहा कि आप हमारे किसी पड़ोसी देश से क्या लग रहा है मुझे आप तरह से देखते हैं क्योंकि आपने आगवानी की है और भाषाई एक जो पुल का काम कर रही है हमारी सरकार लोगों को जोड़े हिंदी के जरिए बड़ा मैसेज देशों के छात्र हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है जब हिंदी सीख रहे हैं तो भारतीय कल्चर में भी संस्कृत में भी भारत के आध्यात्म में भी इससे भी ये परिचित हो तो योगी सरकार ने इनको आमंत्रित किया है पूरे देश को घुमा रहे हैं इससे ये भारतीय संस्कृति से परिचित हो रहे हैं भारत के आध्यात्म से भी परिचित हो रहे हैं और भारत के रहन सहन और रीति रिवाजों से भी परिचित हो रहे हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति कितनी प्राचीन है कितनी रिच है इसको बहुत नज़दीकी से देख पा रहे हैं। अब आगरा के बाद इनके कहाँ कहाँ कार्यक्रम रहने वाले क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी आप अगवानी कर रहे हैं आगरा में हम सरकार की तरफ से इनकी अगवानी की जाए और उसको आगरा घुमाया जाए आगरा घूमेंगे ये इसके पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कई जगह पर तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा तुम्हारे बिना वो न जीना गवारा तुम्हें यूं ही चाहेंगे तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक दम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम धन्यवाद हो पलकों के लिए कैसा है
पास कोई जो आए लाके संभालो पागल दिल को दिल धर के ही जाए पर सोच लो इस पर है जो वो दास्ता कल हो ना हो तो तीन अभी दो एक पहले के दो पार्ट।